नमस्कार, मैं हूँ आस्था और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। आदिवासियों को वन भूमि से बेदखल किए जाने के विरोध में जेएमएम और कांग्रेस ने खोला मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वन प्रमंडल कार्यालय के बाहर दिया धरना, जोरदार रूप से की नारेबाजी। गिरिडीह में सोमवार का दिन उद्घाटन और शिलान्यास के नाम रहा। सांसद रविंद्र पांडे और विधायक निर्भय सहबादी ने संयुक्त रूप से किया कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कोयलांचल क्षेत्र में किया गया सड़क का शिलान्यास, तो प्रखंड परिसर में सामूहिक रूप से शिलापट्ट अनावरण कर कई योजनाओं को दी गई हरी झंडी, कईयों का किया गया उद्घाटन। पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से पीडब्ल्यूडी ग्राउंड में आयोजित किया गया जल सहिया सम्मेलन। सांसद विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। जल सहिया को बेहतर कार्य करने की दी गई हिदायत, बेहतर काम करने वालों की गई हौसला अफजाई। और मोंगिया स्टील के सौजन्य से आयोजित हुआ 5 दिवसीय स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण शिविर। उद्योगपति सरदार गुणवंत सिंह ने किया इस शिविर का विधिवत उद्घाटन। जिले भर से आए युवक युवतियों को दिया जाएगा कौशल विकास का प्रशिक्षण। मुंबई से आई प्रशिक्षक देगी इन्हें टिप्स। झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला इकाई की तरफ से सोमवार को वन प्रमंडल पदाधिकारी पूर्वी क्षेत्र के कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह कर रहे थे, वही संचालन जिला सचिव महालाल सोरेन ने किया। इस धरना के माध्यम से दिनांक 20 फरवरी 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश पर आक्रोश व्यक्त किया गया, जिसके तहत पूरे देश में वन क्षेत्र में रहने वाले लगभग 20 लाख आदिवासी परिवार को वन क्षेत्र से बेदखल किया जाना है। बताया गया कि इस मुकदमे का सबसे दुखद पहलू यह रहा कि केंद्र की संवेदन शून्य भाजपा सरकार ने न्यायालय के समक्ष एक अधिवक्ता भी भेजना उचित नहीं समझा। इस देश में वर्ष 2006 में वन अधिकार कानून लाया गया, जो वर्ष 2008 से लागू है। उसके क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एवं वन उत्पाद इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त है। सरकार ने कभी भी कानून के तहत किसी भी आदिवासी परिवार के अधिकार को संरक्षित करने का काम नहीं किया। सरकार की उदासीनता से यह जाहिर होता है कि लाखों परिवार को वन क्षेत्र से बेदखल करने का काम कर रही है। मौके पर केंद्रीय महासचिव सुदीप कुमार सोनू, केंद्रीय समिति सदस्य दिनेश यादव, शहनवाज अंसारी, छोटेलाल यादव, कर्मिला टुडू, गीता हाजरा, प्रदीप हाजरा, अजित कुमार, कालेश्वर सोरेन, भैरव वर्मा, गौरव कुमार, हरिलाल मरांडी, मोहम्मद शान रशीद, प्रधान मुर्मू, मुमताज मिर्जा, सुमन कुमार, रसिकलाल चौड़े, राकेश सिंह, सैयद अख्तर, बुलंद अख्तर, वासुदेव रविदास तथा सभी प्रखंडों से आए अगवा नेता एवं भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला समिति के तरफ से वन प्रमंडल पदाधिकारी पूर्वी के कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना के माध्यम से पिछले 20 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय में एक आदेश पारित हुआ, जिसके तहत जो सैकड़ों वर्षों से आदिवासी परिवार जो वन क्षेत्र में रहते आ रहे थे, उन्हें अपने घरों से, अपने जमीन से बेदखल करने का जो फरमान न्यायालय ने दिया है, उसके विरुद्ध में पूरे राज्य में धरना का कार्यक्रम आज आयोजित है। उसी क्रम में आज गिरिडीह जिले में भी हम लोग धरना के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे और इस काले आदेश को निरस्त करने की मांग करते हैं और हस्तक्षेप की मांग करते हैं कि सरकार की जो संवेदनहीनता रही केंद्र सरकार की, उन्होंने अपने एक अधिवक्ता को भी नहीं न्यायालय में उपस्थित किया, जिसके वन अधिकार कानून जो इस राज्य में पिछले 2006 से लागू है, उसके जो अधिकार इन वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो अधिकार प्राप्त था, उसके जो लाभ, जो उनकी बातें थी उनके पक्ष में सरकार ने रखने का काम नहीं किया। यह उनका सबसे दुखद पहलू रहा और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और झारखंड में रघुवर दास की सरकार जो लगातार अपने आप को आदिवासी या दलित हितैषी साबित करने का प्रयास करती है, उसका ये चेहरा उजागर हुआ।
विचारधारा के समान विचारधारा के संगठन लोग इसका विरोध करते हैं। जरूरत पड़ा तो हम लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और इस कानून को इस देश में लागू नहीं होने देंगे। गिरिडीह प्रखंड परिसर में सोमवार को सांसद रविंद्र कुमार पांडे व विधायक निर्भय कुमार सहबादी के द्वारा विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। मौके पर मेयर सुनील पासवान, बीडीओ विभूति मंडल, वार्ड पार्षद अजय कुमार, अशोक राम के अलावा संत कुमार लल्लू, अजय रजक, प्रकाश दास, उमेश पंडा, रवि सिंह, नवनीत सिंह, बाबू सेठ, विभाकर पांडे, नवनीत सिंह सहित कई विभागीय अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। बताया गया कि कुल 51 लाख राशि की योजना पारित की गई है, जिसमें पथ निर्माण एवं तालाब घाट निर्माण आदि शामिल है, जिसके लिए 7 योजनाओं का उद्घाटन एवं 16 योजनाओं के शिलान्यास सामूहिक रूप से शिलापट अनावरण के साथ किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों को आगामी चुनाव को देखते हुए ईवीएम वीवीपैट से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। हेलो, नोटिस किए हैं कि पहले जो ईवीएम और बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट से हम लोग वोट देते थे तो जैसे ही हम लोग दबाते थे बीप की आवाज आती थी। इस बार बीप की आवाज तब आएगी जब आपका पर्ची कट के गिर जाएगा, तब आपका वोटिंग कास्ट हुआ। जब तक पर्ची नहीं गिरता है, मशीन आवाज नहीं करेगा, तब तक आपका मत। हमारे सम्माननीय विधायक जी हैं और इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए हमारे मेयर साहब भी हैं, सुनील पासवान जी, और योजनाएं बहुत हैं। ये तो योजनाएं छोटी छोटी, जैसे हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, किसी ने कहा कि भैया ये काम को करवाना है तो हम लोगों ने उसको ले लिया। बाकी तो अभी आप सुने कि विधायक मेयर साहब ने क्या कहा कि हम लोग 10 कम्युनिटी सेंटर बनवा रहे हैं, तो अभी सड़क का हमारे पास 10 करोड़ आ रहा है, तो विभिन्न योजनाएं जो है वो सब जगह चल रहा है, उसमें छोटा सा अंशदान ये भी है। प्रखंड परिसर में आज माननीय सांसद श्री रविंद्र कुमार पांडे जी के द्वारा विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। लगभग 50-51 करोड़ की 51 लाख की योजनाओं का आज लोकार्पण किया गया या शिलान्यास किया गया। इसके लिए हम समस्त गिरिडीह की जनता की ओर से हम आभार प्रकट करते हैं अपने माननीय सांसद महोदय का। और इसी तरह से ये तो एक कड़ी है, छोटी सी कड़ी है, लगातार विकास के कार्य हुए हैं मेरे द्वारा या माननीय सांसद के द्वारा या हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका एक ही उद्देश्य है, जो हमारे पार्टी का उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास। उसके तहत विकास के कार्य जितने आपने देखा होगा कि आज़ादी के 67 साल के बाद भी नहीं हुआ था, इन 55 महीनों में हम लोगों ने देखने का काम किया है, चाहे वो निचले स्तर से हो चाहे प्रधानमंत्री के स्तर से हो। प्रखंड परिसर में विकास योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम गिरिडीह के माननीय सांसद रविंद्र कुमार पांडे जी, विधायक जी और लोगों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी गिरिडीह नगर निगम की जो 9 प्रमुख सड़कों हैं वो भी बहुत जल्द ही जो है उसका भी जो निविदा निकाल करके और गिरिडीह की जनता के बीच सपोर्ट किया जाएगा। जो 25 करोड़ की लागत से गिरिडीह की 9 सड़कें हैं, जिसमें कि एक हमारा प्रमुख सड़क वीर कुमार सिंह चौक से लेकर के भवन टोली मोड़ तक जो सड़क है वो भी उसका भी जीर्णोद्धार होना है, बनना है। और सारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो लगातार हम लोग शिलान्यास और इसके माध्यम से करके जनता को बताने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से सोमवार को झंडा मैदान में जिला स्तरीय जल सहयोग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन गिरिडीह के सांसद रविंद्र पांडे व विधायक निर्भय कुमार सहवादी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में उपायुक्त राजेश पाठक, PHED विभाग के कार्यपालक अभियंता अनूप महतो समेत सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन के माध्यम से उपस्थित सहिया को स्वच्छता के बारे में कई अहम जानकारियाँ दी गयी।
साथ ही साथ ODF प्लस कार्यक्रम के बारे में बताया गया। घंटों चले इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता को लेकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई। मोंगिया TMT प्लांट परिसर में सोमवार को स्किल डेवलपमेंट के तहत 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया। मौके पर मोंगिया स्टील के निदेशक डॉक्टर गुणवंत सिंह सलूजा ने दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। बता दें कि इस प्रशिक्षण शिविर में ट्रेनर के रूप में मुंबई से आई डॉक्टर आदित्य कौल छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देगी। इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए जिले भर से काफी संख्या में छात्र छात्राएं यहां पर पहुंच रही है। इस बाबत मोंगिया स्टील के निदेशक गुणवंत सिंह सलूजा ने बताया कि यह प्रशिक्षण शिविर जिले भर के शिक्षित युवक युवतियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में युवक युवतियों को स्किल डेवलपमेंट के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें रोजगार मुहैया कराने का काम किया जाएगा। बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के बाद यहाँ के युवक युवतियों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बताया कि इस तरह के प्रशिक्षण शिविर के आयोजन से हमें जिले के शिक्षित युवक युवतियों से मिलने का भी मौका मिला है, जो काफ़ी खुशी की बात है। श्री सलूजा ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में युवक युवतियों के रहने खाने की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें युवक युवतियों को भोजन के साथ साथ तमाम सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई है। ये जो स्किल डेवलपमेंट है, ये टोटल साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी जो क्लास लेने के लिए मैडम आई, ये PhD, ये डॉक्टरेट की हुई है साइकोलॉजी में, ये इनका सारा फ्रेमिंग किया हुआ प्रोग्राम है। और मैं इस प्रोग्राम में सपोर्ट करने के लिए, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सब प्रोग्राम जितने हैं वो बॉम्बे में, पूना में, ये सब कहीं कहीं पर हैं, लेकिन लोग इतने दूर हमारे गिरिडीह के नहीं जा पाएंगे। यदि मैं गिरिडीह में हूँ तो कम से कम कुछ ना कुछ बच्चों को इसका लाभ मिले, हमारे रहते जो अच्छा काम हो सके, हमारे गिरिडीह के लोगों को, यहाँ के लोग अपना जीवन स्तर सुधारने में अपने, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक स्तर कैसे सुधरता है। कोई आदमी सिपाही से नौकरी शुरू करेगा तो वो कहाँ तक पहुँचेगा, एक लेवल है। और कोई आदमी DSP से नौकरी शुरू करेगा तो वो कहाँ तक पहुँचेगा, और कोई IPS बन के नौकरी शुरू करेगा तो DGP तक पहुँचेगा। कहने का मतलब ये है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग में, अब ये लोग ग्रेजुएट हो गए, अब इनके पास बहुत समय नहीं है, अब ये अपने नए फील्ड में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, कुछ करना शुरू करेंगे, तो उस स्तर को अगर अभी से उठा दिया जाए तो ये ऊंचे स्तर से जो शुरू करेंगे तो इनकी सारी जिंदगी, पूरे लाइफ उस स्तर को एंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट ही अच्छे लेवल से किया। तो इनका स्तर ये सुधारने के लिए, इनका ये स्टैंडर्ड सुधारने के लिए, ये जहाँ पर भी जाएँ अच्छे तरीके से काम आगे बढ़ा सकें, कोई भी काम को करें तो इतने अच्छे स्किल से करें कि इनका अपने लिए, इनके परिवार के लिए, इनके समाज के लिए और हमारे देश के लिए ये अच्छे काम कर सकें और सभी का कल्याण हो, हमारा देश मजबूत हो, ये सशक्त हो और हमारा सारी युवा पीढ़ी सशक्त हो और देश सशक्त हो, मेरी यही कामना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि बच्चे आगे बढ़ें और इसमें हमारे बहुत सारे और भी कार्यक्रम हैं, ये सिर्फ यही नहीं कि मैं स्किल डेवलपमेंट आज कर रहा हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे और भी बहुत सारे कार्यक्रम इस तरह के चलते ही रहते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि और भी बच्चे जो हमारे गांव देहात के हैं, जिनके पास कॉलेज है ही नहीं, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, मगर उन लोगों के पास कॉलेज वहाँ नहीं है, तो अब वो जो वहाँ के अच्छे बच्चे हैं, जो वहाँ के सबसे प्राइम बच्चे हैं, वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो उनको पढ़ने की कितनी प्रॉब्लम आएगी, ना उनके वहाँ कॉलेज हैं, ना उनके पास पैसे हैं जो बाहर जाके पढ़ सकें। जिन बच्चों के पास कम से कम पैसे नहीं हैं, उनको कोई तो आदमी चाहिए जो सपोर्ट करे, क्योंकि उन बच्चों के जो बड़े शहरों में रहते हैं, उनके कॉलेज सामने में, उनके लिए तो हॉस्टल चाहिए, उनका खर्चा और ज़्यादा है। कॉलेजेस में एजुकेशन तो मिल ही रही है, वो जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे BA के बच्चे हैं जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं, BCOM के बच्चे हैं जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। जब मैंने इनसे इंट्रोडक्शन लिया तो इनमें से कोई टीचर बनना चाहता है, कोई बैंक मैनेजर बनना चाहता है, तो ये अलग अलग सपनों के साथ यहाँ बच्चे आए हैं। पर जब आप इन बच्चों से बात करेंगे तो इन्हें जो आप इन सब में सबसे एक कॉमन चीज़ पाएंगे, नो मैटर वो कौन से भी फील्ड से आए हैं, कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों से बात करने का, उन्हें झिझक होती है अपना पॉइंट रखने के लिए कि जब वो दुनिया में जाके काम करते हैं। तो
इन सारे विषयों में हम कैसे बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, ताकि कल को जब नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं तो उन्हें वो कॉन्फिडेंस हो, वो अपने नॉलेज को लोगों की तरह प्रस्तुत कर सकें। तो उस नॉलेज को दुनिया तक पहुँचाने के लिए जो ब्रिज की ज़रूरत है, उस ब्रिज पे काम करने के लिए हम यहाँ पे इन 4 दिनों में बच्चों के साथ काम करेंगे, ताकि वो अपने को दुनिया के सामने अच्छे से प्रदर्शित कर पाए। तो यही हमारे इस कार्यक्रम का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश का युवा जो पढ़ रहा है वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पाए, अपनी प्रगति कर पाए और अपने साथ साथ अपने परिवार की प्रगति कर पाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ताकि इन सबको सहायता हो पाए। यही न्यू बरगंडा स्थित दुर्गा माता बालिका विद्यालय में सोमवार को प्ले स्कूल का शुभारंभ विधायक निर्भय कुमार शाहवादी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह स्कूल जो कि एक आश्रम के द्वारा संचालित होगी, पूर्व से बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा देते आ रही है। अब इस स्कूल में हमारे नौनिहाल भी पढ़ने आएंगे और शिक्षा के साथ साथ हमारी भारतीय संस्कृति विरासत को आगे ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि यह स्कूल जो कि एक आश्रम के द्वारा संचालित होता है और इसको केवल महिलाओं के द्वारा देखरेख में किया जाता है। अवश्य ही यहाँ से जो नौनिहाल पढ़कर निकलेंगे वे नैतिक ज्ञान के साथ साथ आज के आधुनिक विज्ञान को अच्छी तरह से सीखकर आगे देश और अपने माता पिता के साथ समाज का नाम भी रोशन करेंगे। इस अवसर पर गिरिडीह नगर निगम के महापौर सुनील कुमार पासवान, उप महापौर प्रकाश सेठ, संत कुमार लल्लू, विधायक के प्राचार्य नीलू दास सहित विद्यालय प्रबंधन के लोग और मोहल्लेवासी उपस्थित थे। आज दुर्गा माता सर्वेसी आश्रम के प्रांगण में प्ले स्कूल का आज उद्घाटन हुआ है। इसके लिए यहाँ आश्रम के सभी समस्त सेवकों को, आश्रम के माता श्री को और सभी यहाँ के अभिनवियों को मेरे को बहुत बधाई। हमारे देश की परंपरा रही है कि बचपन से ही बच्चा पैदा होते ही उसके अंदर सांस्कृतिक रूप से उनको परिपक्व किया जाए। उसी आधार पर आजकल 21वीं सदी में प्ले स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे तो कई कमर्शियली अपने लाभ के लिए कई प्ले स्कूल चल रहे हैं, गिरिडीह में भी चल रहे हैं, लेकिन इस आश्रम की छांव में जो बच्चे यहाँ पे अपनी संस्कृति से उनको परिचय होगा खेल खेल में, तो ये अपने आप में एक अनूठा होगा और हम समझते हैं कि उनके अंदर में ईश्वरीय शक्ति का भी वास होगा। हमारे देश में गुरुकुल की परंपरा रही है और उसी कड़ी के रूप में आज परम पूजनीय माँ शारदेश्वरी आश्रम में आज स्कूल का उद्घाटन हुआ है। और मुझे और इस स्कूल के माध्यम से हमारा जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे हमको विरासत के रूप में मिली है, उसको यह स्कूल और यह आश्रम उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। डुमरी प्रखंड के जामताड़ा गांव में मां पार्वती एवं श्री गणेश प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ सोमवार को कलश यात्रा के साथ भक्तिमय माहौल में शुरू हुई। इस दौरान जामताड़ा शिव मंदिर प्रांगण से एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो नगर भ्रमण करते हुए जमुनिया नदी पहुंची, जहां यज्ञ आचार्य एवं वेद आचार्यों के द्वारा कलश पूजन एवं गंगा पूजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में युवक युवतियां भगवा झंडा लिए एवं माथे में कलश लिए कलश यात्रा में शामिल हुई। वहीं जय श्री राम, जय हनुमान, जय गणेश आदि धार्मिक नारे भी लगाए गए। इस भक्तिमय माहौल में बच्चों ने पूरे रास्ते भर खूब नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार किया। यहां विभिन्न तरह का अनुष्ठान यज्ञ आचार्य देवानंद पांडे के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें बनारस से आए हुए उपाचार्य श्रवण पांडे, विकास पांडे, संत पांडे, राहुल पांडे तथा डुमरी के वीरेंद्र पांडे एवं मंटू पांडे अपना सहयोग दे रहे थे। बताया गया कि यह यज्ञ 5 दिवसीय है, जो 25 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। Yeah.
बाबा करणे तत्पश्चात मित्रा योगे सभी प्रकार के निवृत्ति के लिए सभी पापों के छुटकारा के लिए प्राश्चित संकल्प किया जाता है तो भी शास्त्र निंदा जगहरा जामतारा ग्रामीण में गणेश माँ पार्वती प्राण प्रतिष्ठा पंच दिवसीय महायज्ञ 25/2/2019 के जल यात्रा 26/2/2019 यज्ञ प्रारंभ अग्नि मंथन और 2/3/2019 यज्ञ पूर्णाहुति प्राण प्रतिष्ठा गिरिडीह सांसद रविंद्र कुमार पांडे एवं विधायक निर्भय कुमार शहवादी द्वारा सोमवार को बनियाडी में एक पथ मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया गया। मौके पर मेयर सुनील पासवान, विधायक प्रतिनिधि रंजन सिन्हा, संत कुमार लल्लू, विभाकर पांडे, प्रकाश दास, संवेदक नदिम अख्तर समेत कई गणमान्य उपस्थित थे। बताया गया कि राज्य संपोषित योजना के अंतर्गत बनियाडी से मटरुखा तक 7 किलोमीटर लंबे इस सड़क का मरम्मत कार्य किया जाएगा, जिसकी लागत 1,10,00,000 रुपए बताई गई है। एक करोड़ 2 लाख का योजना पहले ये योजना 1 करोड़ 13 लाख का था, 10% लेस होकर 1 करोड़ 2 लाख का योजना उसी का काम था। कहाँ से कहाँ बनना जो पुल है यहाँ से लेकर भाया महतोड़ी करीब करीब 4-5 रोज पहले कार्यक्रम था, किस मत से बन जो सड़क का निर्माण के संवेदक है कार्यक्रम रखा जो है सांसद रविंद्र पांडे वहीं से उनके पहले किसी खाते में चला गया विधायक निर्मल सवादी के द्वारा शिलान्यास किया गया। झारखंड प्रदेश तूरी समाज गिरिडीह इकाई की एक जिला स्तरीय बैठक रविवार को अंबेडकर भवन में की गई, जिसकी अध्यक्षता गोविंद तूरी एवं संचालन हरिहर तूरी ने की। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष चंदन कुमार तूरी मौजूद थे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रदेश संगठन प्रभारी तुलसी तूरी, बलदेव तूरी, भानु देवी, सूर्य देवी, पिंटू तूरी, रामेश्वर तूरी, प्रभुराम तूरी, रामधनी, प्रदीपाजी मौजूद थे। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष चंदन कुमार तूरी मौजूद थे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रदेश संगठन प्रभारी तुलसी तूरी, बलदेव तूरी, भानु देवी, सूर्य देवी, पिंटू तूरी, रामेश्वर तूरी, प्रभुराम तूरी, रामधनी, प्रदीप आदि मौजूद थे। बताया गया कि जिला संघ के संगठन एवं उनके विस्तार को लेकर बैठक में विस्तृत चर्चा की गई, साथ ही तूरी समाज के एकता पर बल दिया गया। वहीं समाज की शिक्षा, राजनीति में भागीदारी और सामाजिक आर्थिक तौर पर विकास पर भी जोर दिया गया। इधर कमेटी का विस्तार किया गया और रिक्त पदों पर नए लोगों का चयन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष कृष्णा तूरी, युवा जिला अध्यक्ष अमर कुमार तूरी एवं महिला जिला अध्यक्ष पद के लिए नीलम भारती का चयन किया गया। आज हम लोग झारखंड प्रदेश तूरी समाज के एक बैठक रखा गया है, जिसमें कि हम लोग कमेटी का जो दार विस्तार करने का, अपना संगठन मजबूत करने का विचार विमर्श चल रहा है, और कुछ पदाधिकारी जो हमारे हम जिला अध्यक्ष गिरिडीह का जिला अध्यक्ष होने के कारण हमें प्रदेश में जगह मिला है उपाध्यक्ष के तौर पर, उन्हीं का आज मिलन समारोह है और हम लोग उसका सभी मिल करके अपना संगठन मजबूत करने का
विचार कर रहे हैं। गिरिडीह प्रांगण में अंबेडकर भवन में तुरी समाज का एक सम्मेलन रखी गई है, जिसमें तुरी समाज के पदाधिकारी का चयन किया जा रहा है, जिसे गोविंद जी जिला अध्यक्ष थे उनको मैं प्रदेश में जिला उपाध्यक्ष का पद दिया हूँ और जिला में नियुक्त नया जिला नियुक्त किया गया कृष्णा तुरी हुआ जिला अध्यक्ष और युवा जिला अध्यक्ष में अमर कुमार तुरी हुआ और नीलम भारती और महिला जिला अध्यक्ष में उसको घोषणा किया गया। तो अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आदिवासियों को वन भूमि से बेदखल किए जाने के विरोध में जेएमएम और कांग्रेस ने खोला मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वन प्रमंडल कार्यालय के बाहर दिया धरना, जोरदार रूप से की नारेबाजी। गिरिडीह में सोमवार का दिन उद्घाटन और शिलान्यास के नाम रहा। सांसद रविंद्र पांडे और विधायक निर्भय सहबादी ने संयुक्त रूप से किया कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कोयलांचल क्षेत्र में किया गया सड़क का शिलान्यास तो प्रखंड परिसर में सामूहिक रूप से शिलापट अनावरण कर कई योजनाओं को दी गई हरी झंडी, कईयों का किया गया उद्घाटन। पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से पीडब्ल्यूडी ग्राउंड में आयोजित किया गया जल सहिया सम्मेलन। सांसद विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। जल सहिया को बेहतर कार्य करने की दी गई हिदायत, बेहतर काम करने वालों की गई हौसला अफजाई। और मोंगिया स्टील के सौजन्य से आयोजित हुआ 5 दिवसीय स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण शिविर। उद्योगपति सरदार गुणवंत सिंह ने किया इस शिविर का विधिवत उद्घाटन। जिले भर से आए युवक युवतियों को दिया जाएगा कौशल विकास का प्रशिक्षण। मुंबई से आई प्रशिक्षक देगी इन्हें टिप्स। ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।